लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है, कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा पता नहीं बोलने के पहले उन्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई गई, बताई है, कक्षा एक से बारहवीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया, फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, एक से आठवीं तक 500 देंगे, नौवीं से दस तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इस पे हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते हैं, वो पढ़ने का कहते हैं, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो क्या कहे कि देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें, वचन पत्र, वचन तो कई थे लेकिन इनने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने, अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निःशुल्क घर देंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस, मुझे नहीं देना स्टेट के शेयर जो होता है 40%, वो पैसा नहीं दिया। ये मोदी जी के मकान छीनने वाले, ये बच्चों के लैपटॉप और साइकिल छीनने वाले, ये बच्चों की फीस छीनने वाले, फिर ठगने आ गए। और ठगने के पहले ये तय भी नहीं कर पाते महीने की कहना है कि साल की कहना है। ये कांग्रेस का झूठ है, लगातार झूठ बुलवा रही है राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।